नाउ वी आर मूविंग टू दी अदर टॉपिक, हम दूसरे टॉपिक की ओर जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इससे रिलेटेड नहीं था जो हमने डीडी ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ा। ये एंटायरली डिफरेंट टाइप का एक छोटा सा टॉपिक रखा हुआ है जो कि हमें बताता है कि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, उनके एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन, एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन जैसे ही हमारे माइंड में आया, हमारे माइंड में क्या आ गया कि ऑर्गेनिक का आर एंड एस। अगर आपको ध्यान होगा तो ऑर्गेनिक में आर एंड एस कन्फिग्रेशंस होते हैं जिनको हम एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशंस कहते हैं। इन द सिमिलर वे इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आल्सो एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन अकर्स। इसके केस में भी क्या होता है, एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन होता है। और उस एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन को हम किस मेथड से निकाल सकते हैं, किस मेथड से हम असाइन कर सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है तो इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ये है, ये कॉम्प्लेक्स है तो इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की। जैसा हम ऑर्गेनिक में भी ऑप्टिकली एक्टिव की ही बात करते थे जब हम आर एस कन्फिग्रेशन करते थे, तो ऐसे ही यहां पर भी हम देखेंगे कि जो ऑप्टिकली एक्टिव ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके भी एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन होते हैं। तो वो जो एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन है वो किन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से हम देख सकते हैं। तो दो मेन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स होंगी यहां पर जिससे हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। एक है सर्कुलर डाइक्रिज्म और दूसरा है ओआरडी यानी ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्शन। तो सीडी मींस सर्कुलर डाइक्रिज्म एंड ओआरडी मींस ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्शन। तो ओआरडी एंड सीडी की हेल्प से हम देख पाएंगे कि कैसे हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर सकते हैं। बहुत आसान है। फाइनली आप देखेंगे कि आपको लगेगा अरे तो बड़ा आसान है, इसमें तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां जाने के लिए हमें दो मेन टॉपिक्स कवर करने होंगे। एक तो ये कि थोड़ा हल्का सा जनरल आइडिया लेंगे कि सीडी ओआरडी क्या होता है, और दूसरा आइडिया हमें लेना पड़ेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है उनके हम जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है उसकी बात कर रहे हैं। तो हम क्या देखना चाहेंगे, क्योंकि हम ओडी सीडी ओ आर डी पढ़ रहे हैं तो हमें दो टर्म आने जरूरी है, लीनियरली लाइट, लीनियरली पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, एंड अभी एक और टर्म हम पढ़ेंगे यानी हम ये कहेंगे कि अनपोलराइज लाइट एंड पोलराइज लाइट, इसके बारे में हम जानेंगे कि ये लाइट क्या होती है। दूसरा हम जानेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। जब हम ये दोनों चीजें जान जाएंगे फिर हम देखेंगे कि सीडी क्या होती है और ओआरडी क्या होती है। तो अगर हम नॉर्मली एक सनलाइट को देखें, सन से आने वाली लाइट को देखें, या फिर एक बल्ब को देखें, तो जो बल्ब और सन से जो लाइट आती है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, जो लाइट आती है वो अनपोलराइज्ड लाइट होती है। अनपोलराइज्ड लाइट, किसी भी लाइट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और एक होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट। इसीलिए हम उस पर्टिकुलर लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि उसके दो कंपोनेंट हैं, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और दूसरा है मैग्नेटिक कंपोनेंट। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर वन बात ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की हम बात करने वाले हैं। तो अगर ये इस तरीके के सोर्स हैं, ओपन है, कोई हमने इस पे कोई इस तरीके के ना तो प्रिज्म लगाए हैं ना कोई पोलराइड यूज किया है, तो वहां से जो लाइट निकलेगी वो अनपोलराइज्ड होगी। अनपोलराइज्ड का मतलब है कि जो उसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है उसका ऑसिलेशन हर डायरेक्शन में होगा, ऑल डायरेक्शन में, ऑल प्लेन्स में उनका ऑसिलेशन होगा। ओके, अब हम इस बल्ब को कि जो लाइट आ रही थी उसके बीच में हमने पोलराइड रख दिया, पोलराइड एक स्पेशल काइंड का प्रिज्म है। देखिए ये अनपोलराइज्ड लाइट है और इसके रास्ते में हमने एक क्या रख दिया, पोलराइड रखा, पोलराइड जो कि यहां पर हमने निकोल प्रिज्म यूज किया है। तो पोलराइड जैसे ही हम रखेंगे तो ये जो अनपोलराइज्ड लाइट थी जिसके इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट के जो ऑसिलेशंस थे वो हर प्लेन में थे, जैसे ही हमने इसको एक पोलराइड से पास किया ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो गया। प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो गया मतलब जो ऑसिलेशन थे वो केवल एक ही प्लेन में हो रहे हैं अब,
पहले जो सारे प्लेन्स में थे वो एक प्लेन में ऑसिलेट करेंगे, और जनरली जो ऑसिलेशन ऑसिलेटिंग वेव्स ये जनरेट करता है दो तरीके की करता है, एक होती है वर्टिकली ऑसिलेटिंग वेव एंड दूसरी होती है हॉरिजेंटल ऑसिलेटिंग वेव। अब ये डिपेंड करता है कि पोलराइड कैसा है। ये देखिए यहां पर जो पोलराइड मैंने दिखाया है वो आपको पोलराइड में लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही, वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस वाला पोलराइड अगर मैंने लिया है इस तरीके का, अगर इसका प्लेन हो तो फिर ये बाकी सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, केवल उसी कंपोनेंट को आने देगा जो कि वर्टिकल ऑसिलेटिंग वेव होगी, जिसमें केवल वर्टिकल वाले को ही आने देगा, बाकी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आप ये देख सकते हैं, देखिए एक अनपोलराइज्ड लाइट को हमने पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर दिया है, और ये भी आप देख सकते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में ही ये ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं अगर इस तरीके का यहां पर पोलराइड रख दूं, ऐसा पोलराइड रख दूं जिसमें कि उसके क्रिस्टल्स इस तरीके से अरेंज हों कि वो सबको एब्जॉर्ब कर ले और केवल जो हॉरिजेंटली ऑसिलेटिंग वेव है उसको एब्जॉर्ब ना करे, तो फिर जो हमें वेव वो देगा वो हॉरिजेंटल ऑसिलेटिंग वेव देगा। तो हमें एक ही तरीके की वेव मिलने वाली है पोलराइड को रखने से, या तो हमें हॉरिजेंटल मिलेगी या हमें वर्टिकल मिलेगी, या तो वो जेड वाई प्लेन में होगी या वो एक्स जेड प्लेन में होगी, या तो ऐसे ऐसे चल रही है, देखिए हॉरिजेंटल चल रही है, हॉरिजेंटल, ओके, ऐसे 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 ऐसे, और ये वाली जो वेव है वो ऐसे ऐसे चल रही है। तो एक वर्टिकल वेव है, एक हॉरिजेंटल वेव है। तो ये जो निकोल प्रिज्म है इसके क्रिस्टल का जो सेटिंग है वो कैसे है, इस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी वाली वेव आ रही है। लेकिन एक तरीके से आप देखेंगे तो ये पोलराइज्ड लाइट है, जहां पर जो ऑसिलेशन है वो केवल एक ही प्लेन में हो रहा है, या तो जेड वाई प्लेन में या एक्स जेड प्लेन में। तो मेरे ख्याल में इतना तो आपके समझ में आ गया है कि जो एक अनपोलराइज्ड लाइट थी जो हमारे सोर्स से आ रही थी, यानी ऑसिलेशन सारे डायरेक्शन में थे, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, एक पोलराइड रख के उसको हमने पोलराइज्ड लाइट में, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए प्लेन पोलराइज्ड है, आप देख भी सकते हैं, ये देखिए एक बल्ब से ये जो हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट थी इसको हमने पोलराइड से पास किया, और देखिए इसमें इस तरीके के आप देख रहे हैं कि इस तरीके से क्रिस्टल अरेंजमेंट है कि यहां से एक ही तरीके की वेव, देखिए ये जो वेव है वर्टिकल इसको ये निकाल रहा है, बाकी को एब्सॉर्ब कर ले रहा है जितनी बाकी है। और अब देखिए यहां पर दूसरा पोलराइड लगा दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरा पोलराइड, अब देखिए ये केवल इस तरीके की, जैसे इसके क्रिस्टल्स के अरेंजमेंट है उसी तरीके की प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये दे रहा है, बाकी को क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब कर दे रहा है। तो ये एक पोलरीमीटर का फिगर है, पोलरीमीटर का काम है कि वो एक अनपोलराइज्ड लाइट को एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ओके। अब एक और हम क्या कर रहे हैं, अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमारे पास थी, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगेन हमने एक दूसरे क्रिस्टल से पास किया, ठीक है। तो ये तो इसको हम क्या कहते हैं, जो मैंने ये वाली बात कही आपसे कि एक अनपोलराइज्ड लाइट एक निकोल प्रिज्म की प्रेजेंस में, जो कि एक पोलराइड था उसकी प्रेजेंस में प्लेन पोलराइज्ड लाइट बना रही है, या फिर लीनियरली पोलराइज्ड लाइट जनरेट कर रही है, ठीक है। तो ये जो लाइट है इसको फर्दर एक दूसरे क्रिस्टल में से पास कर रहे हैं, ये क्रिस्टल कैल्साइट क्रिस्टल है और ये भी एक पोलराइड की तरह एक्ट करेगा, तो ये अगेन क्या करेगा, ये अगेन इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दूसरी तरीके की पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करेगा, और ये जो पोलराइज्ड लाइट है इसको हम सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट किया, तो ये इसके लिए हमें एक दूसरा क्रिस्टल की जरूरत पड़ी जो कि कैल्साइट क्रिस्टल था। तो ये जो जो है आप देख रहे हैं लाइट, यहाँ ये लूप्स की फॉर्म में, हेलिक्स की फॉर्म में ये वेव प्रोपागेट हो रही है। ये भी दो तरीके की होती है, एक होती है राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट और एक होती है लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। आप इसके लूप्स को देखिए, ये देखिए एरो बनाए हुए राइट साइड को आपको दिख रहे होंगे, ये इस तरीके से मूव कर रही है, और यहां पर जो मूवमेंट है वो इस तरीके से, ये लेफ्ट साइड में आपको लग रहा होगा कि ये मूव कर रही है। तो इसको मैं एक इस तरीके के एग्जांपल से आपको बता सकती हूं, देखिए ये एक मैंने एक क्या करा, एक स्ट्रिंग लिया और उसको यहां पर टाइट बांध दिया। अब मैं इस स्ट्रिंग को हिला रही हूं ऐसे 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 आगे से, ठीक है, इसको इस स्ट्रिंग को ऐसे 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 हिला रही हूं, तो ये जो स्ट्रिंग हिल रही है ये वर्टिकल, ये प्लेन पोलराइज्ड वर्टिकल, ठीक है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब मैंने इसी स्ट्रिंग को लिया और मैंने इसको कैसे किया, ऐसे ऐसे खेलते थे ना पहले से रस्सी से, ऐसे एक तो मैंने ऐसे किया स्ट्रिंग को, ये वर्टिकल प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, ऐसे ऐसे, और एक मैंने ऐसे ऐसे, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और एक तरीका क्या है कि मैं उसको ऐसे घुमाऊं, ये देखिए ये समझ रहे, लूप की फॉर्म में ऐसे घुमाऊं,
तो ये एक इस तरीके का हमें मिल जाएगा, ये देखिए। और एक मैं इसको उल्टा घुमा लूं ऐसे, तो वो एक मुझे इस तरीके का लूप मिलेगा। तो ये हम कह रहे हैं कि एक लाइट जो कि ऐसी थी, सारे डायरेक्शन में ऑसिलेशन था, उसको हमने प्लेन पोलराइज लाइट या लीनियर पोलराइज लाइट, इसको लीनियर पोलराइज लाइट भी कहते हैं, उसमें कन्वर्ट किया निकोल प्रिज्म की हेल्प से। और इसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया, एक और पोलराइड रखा और उस पोलराइड की हेल्प से हमने इसको सर्कुलरली पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो हम क्या कर रहे हैं, एक अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये जो फिनोमिना है इसको पोलराइजेशन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। एक अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करना। अब आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए ये लीनियर पोलराइजर रखा है, तो ये लीनियर पोलराइज रखा है तो ये लीनियर पोलराइज लाइट दे रहा है। ये हमने कैसा पोलराइज पोलराइज पोलराइड रखा है, सर्कुलर, तो ये देखिए सर्कुलर जनरेट कर रहा है, हेलिक्स जनरेट कर रहा है। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे डिफरेंस इन बिटवीन अनपोलराइज लाइट, लीनियरली और प्लेन पोलराइज लाइट एंड सर्कुलरली पोलराइज लाइट। अब हम आ रहे हैं सर्कुलरली पोलराइज लाइट में। तो सर्कुलरली जो पोलराइज लाइट है वो दो तरीके की है, एक है राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट, एक है लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज लाइट। तो ये कंसेप्ट आपके अंदर आ गया होगा। अब हम जब हमने सर्कुलरली पोलराइज लाइट के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब हम सेकेंड पार्ट में आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे कॉम्प्लेक्स के लिए। कि वहां पर आप कहते थे कि भाई कायरलिटी है, कार्बन के साथ चार अलग 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 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो वो एक कायरल सेंटर है और वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनाएगा। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसको कह रहे हैं हम। तो जनरली जो कंपाउंड प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं उनको हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं। तो इन द रोटेशन की फॉर्म में हम प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट के रोटेशन के थ्रू बताएंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपोनेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं। जो राइट साइड को घुमाते हैं वो राइट हैंडेड होते हैं, और जो लेफ्ट साइड घुमाते हैं पोलराइज लाइट को वो लेफ्ट हैंडेड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी आपने पढ़ा, डेक्स्ट्रो मीन्स राइट साइड में जो घुमाते हैं, लीवो मीन्स जो लेफ्ट साइड में घुमाते हैं। तो ये हमने दिया हुआ है कि क्लॉकवाइज अगर वो घुमाएंगे प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे, अगर वो लेफ्ट साइड में घुमाएंगे तो वो लीवो रोटेटरी होंगे। और क्या होना चाहिए उस कंपाउंड में। अब हम एक जो हम कायरलिटी की तो बात करेंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कार्बन सेंटर तो है नहीं, तो हम बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री की, हम बात करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री की, हम बात करेंगे इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री की। यानी जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, जिस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, जिसमें इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी है, तब वो क्या कहलाएगा, एनेंशियोमर कहलाएगा या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। ओके, तो इस पर बेस्ड हम देखेंगे कुछ कंपाउंड। अब आप दो कंसेप्ट समझ चुके हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड यहाँ पर कौन है, जिनकी जो जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, जिनमें की क्या नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। और दूसरा आपने देख लिया सर्कुलरली पोलराइज लाइट भी आपने समझ ली कि सर्कुलरली पोलराइज लाइट क्या होता है। ठीक है, अब हम आ रहे हैं इन दोनों कंसेप्ट को जोड़ रहे हैं कि एक कंपाउंड ऐसे होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी है जहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तो ऐसे होते हैं जो कि लेफ्ट एंड राइट सर्कुलरली पोलराइज लाइट को डिफरेंट एक्सटेंट पर एब्सॉर्ब करते हैं। यानी दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, एक एक आइसोमर है, दूसरा दूसरा आइसोमर है, तो एक की टेंडेंसी सर्कुलरली पोलराइज लाइट को लेफ्ट को और राइट को एब्सॉर्ब करने की अलग होगी, अलग एक्सटेंट तक एब्सॉर्ब करेगा, और दूसरा वाला अलग एक्सटेंट पर एब्सॉर्ब करेगा। इन इस डिफरेंस को मेजर करते हैं, क्योंकि एक अलग एक्सटेंट पर एब्सॉर्ब कर रहा है, दूसरा दूसरे अलग एक्सटेंट पर एब्सॉर्ब कर रहा है, यानी इन दोनों की टेंडेंसी अलग अलग होगी। उसी बेसिस पर हम देख लेंगे कि ये कौन सा आइसोमर है और ये कौन सा आइसोमर है। ठीक है, अब आप देखिए ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्शन क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्शन क्या होता है। जनरली ओआरडी मेजर्स द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड।
जो ओआरडी है उसके लिए फिर हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसमें कि हम क्या मेजर करते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन मेजर करते हैं उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का। और स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, इसको हम अल्फा से दिखाते हैं। और ये क्या होता है, इज ऑब्जर्व एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन व्हेन अ प्लेन पोलराइज लाइट इज पास थ्रू अ सैंपल विद पाथ लेंथ ऑफ 1 डेसीमीटर पर सैंपल कंसेंट्रेशन, यानी 1 ग्राम पर ml कंसेंट्रेशन, यूनिट कंसेंट्रेशन होगी। और उस पर जब पाथ लेंथ 1 डेसीमीटर की होगी, तो वहां से जब हम पास करेंगे एक पोलरीमीटर के थ्रू, तो हम स्पेसिफिक रोटेशन को मेजर करेंगे। आपने देखा डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम डिफरेंट चीजें मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे हम NMR में केमिकल शिफ्ट को मेजर करते हैं, IR में हम क्या देखते हैं, ट्रांसमिटेंस देखते हैं। तो ऐसे ही हम ORD में क्या देखते हैं, अल्फा देखते हैं, यानी लैम्डा चेंज करेंगे तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन में क्या चेंज आएगा उसको हम देखते हैं, तो वो ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्शन होता है। तो ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्शन अगर आप देखेंगे, जो एंगल होता है स्पेसिफिक रोटेशन, ये किसके बराबर होता है, जो एंगल जिससे रोटेट कर रहा है और जो पाथ लेंथ है और जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, तो इस पर डिपेंड करता है। ये जो कंसेप्ट है ये बायोट ने 1817 में दिया था ORD का। और यहां पर आप देखेंगे कि होता क्या है कि अल्फा जो है वो वेव लेंथ के साथ क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। जो लाइट हम पास करने वाले हैं उसकी वेवलेंथ के साथ क्या होता है, अल्फा चेंज होता है। तो इन दोनों के बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो वो ORD होता है। तो यहां पर हम सर्कुलरली पोलराइज्ड की बात कर रहे हैं, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट की बात कर रहे हैं, ओके। तो आप ये देखेंगे कि जो अल्फा होता है, जो जो रोटेशन का एंगल है, वो पाई एल एन एल माइनस एन आर अपॉन लेमडा होता है, जहां पर एन एल इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट जो लेफ्ट है, और एन आर इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ राइट सर्कुलरली पोलराइज लाइट। तो अभी आप देखेंगे दो चीजें हम देखेंगे, एक तो होता है एब्सोल्यूट कंफिग्रेशन, हम एब्सोल्यूट कंफिग्रेशन, और एक होता है साइन। आप देखेंगे कि माइनस और माइनस साइन एंड पॉजिटिव साइन से दिखाया होगा जो स्पेसिफिक रोटेशन होगा। तो माइनस साइन का मतलब है कि वो कंपाउंड कैसा है, लीवो रोटेटरी, वो जो सर्कुलरली पोलराइज लाइट है उसको लेफ्ट साइड में घुमा रहा है। और जो प्लस साइन होगा जिसमें स्पेसिफिक रोटेशन में, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, क्योंकि वो राइट साइड में घुमाएगा सर्कुलरली पोलराइज लाइट को। तो यहां पर मैं बात कर रही हूं कि सर्कुलरली पोलराइज प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट की बात मैं क्या कर रही हूँ, सर्कुलरली पोलराइज लाइट की बात कर रही हूँ, कि जो सर्कुलरली पोलराइज लाइट है उसको किस ओर रोटेट कर रहा है कंपाउंड। अगर वो लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है तो लीवो रोटेटरी है, अगर वो राइट साइड में रोटेट कर रहा है, स्पेसिफिक रोटेशन पर डिपेंड करेगा, तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ओके। और दूसरी चीज हम देखेंगे इसका कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन जो होता है यहां पर आप देखेंगे वो होता है दो तरीके का, यहां पर हमने लिखा नहीं है, एक होता है लेमडा और एक होता है डेल्टा। इसको भी हम अभी डिफरेंशिएट करेंगे। ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, एक्चुअल में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनके एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, लैम्डा एंड डेल्टा। तो लैम्डा या तो लैम्डा आइसोमर होगा या डेल्टा आइसोमर होगा। तो लैम्डा और डेल्टा का मतलब अभी आप देखेंगे ORD कर्व कैसा आता है, उसी से हम कोरिलेट कर लेंगे। सो दिस इज द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली, प्लस एंड माइनस मीन्स लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। तो ORD जो होता है, ORD में हम क्या देखते हैं कि जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है एल्फा, उसको लैम्डा के साथ उसका कोरिलेशन देखते हैं, उसका चेंज देखते हैं, इसी को हम ORD कर्व कहते हैं। यहां से जो हमें कर्व मिलेगा ना, वो ORD कर्व होगा। तो ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्शन में हम क्या देखते हैं, लैम्डा के रेस्पेक्ट में अल्फा यानी स्पेसिफिक रोटेशन को देखेंगे तो हमें एक कर्व मिलेगा, इस तरीके का कुछ हमें कर्व मिलेगा। ये देखिए, ये अल्फा है, अल्फा वर्सेस लैम्डा, अल्फा वर्सेस लैम्डा। तो हमें दो तरीके के कर्व मिलते हैं जनरली ऑप्टिकली एक्टिव ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के केस में। एक हमें कर्व ऐसा मिलता है, देखिए कैसा कर्व मिलता है, आप देख रहे हैं कि जो अल्फा रोटेशन है उसकी वैल्यू नेगेटिव है और धीरे धीरे ये बढ़नी शुरू हुई, जैसे जैसे हमने लैम्डा बढ़ाई और एक पर्टिकुलर पोजीशन पर आकर ये जीरो हो गई, और फिर से आप देख रहे हैं कि ये बढ़ना शुरू हुई, एक मैक्सिमम अटेन किया, फिर डिक्रीज होनी शुरू हुई। तो इस तरीके का कर्व अगर हमें मिलता है तो ये आइसोमर है, लैम्डा आइसोमर। ये पॉजिटिव टाइप का ORD कर्व है, ये पॉजिटिव ORD कर्व है, ये लैम्डा आइसोमर शो करता है। और अगर हम इस कर्व को देखेंगे जहां पर आप देखेंगे कि जो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव थी, यानी ये कॉम्पाउंड ऐसा था कि जब इसको हमने पास
पास किया एक पोलराइड के थ्रू, तो आपने देखा कि इसने सर्कुलरली पोलराइज लाइट को ऐसे रोटेट किया कि अल्फा जो है वो पहले बड़ा, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर घटा, फिर जीरो हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर मिनिमम हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। तो ये जो कर्व है ओआरडी कर्व अल्फा और लैम्डा के बीच में है और ये नेगेटिव कर्व कहलाता है। और यहाँ अगर कोई कॉम्प्लेक्स ये कर्व दिखाए तो वो क्या है, डेल्टा आइसोमर है। तो दो तरीके के आइसोमर होते हैं, लैम्डा एंड डेल्टा। वो क्या होते हैं अभी आप देखेंगे। अब देखें सर्कुलर डायक्रोइज्म क्या होता है। आई थिंक आप समझ गए हैं कि जो ओआरडी कर्व होता है वहां पर हम अल्फा और लैम्डा के बीच में क्या करते हैं, ग्राफ देखते हैं। तो यानी कितने एंगल से रोटेट कर रहा है सर्कुलरली पोलराइज लाइट को पर्टिकुलर आइसोमर, वो हम मेजर कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू लैम्डा। अब हम सर्कुलर डायक्रोइज्म अगर देखें तो सर्कुलर डायक्रोइज्म हम क्या देख रहे हैं कि जो डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज लाइट एंड राइट सर्कुलरली पोलराइज लाइट विद लैम्डा, लैम्डा के चेंज के साथ जो ये जो डिफरेंस है, यानी एक एक आइसोमर क्या करेगा, लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और राइट को कम करेगा मान लीजिए, दूसरा वाला डिफरेंट एक्सटेंट पर एब्जॉर्ब करेगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो डिफरेंस होगा इन दोनों के एक्सटेंट का, उसको हम लैम्डा के साथ क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो हमें सीधी कर्व मिलेगा। ठीक है, अभी आप समझ जाएंगे। ये देखिए हमने क्या किया कि जो एक्सटेंट था लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज लाइट और राइट सर्कुलरली पोलराइज लाइट को एब्जॉर्ब करने का, उसके डिफरेंस को लैम्डा के साथ क्या किया, ग्राफ प्लॉट करेंगे। और ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे एक ग्राफ तो ऐसा आएगा और एक कर्व ऐसा आएगा। तो ये जो कर्व है जहां पर आप देख रहे हैं कि पहले ये कम थी जो ये डिफरेंस था एब्जॉर्प्टिविटी डिफरेंस, तो ये फिर इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम अटेन किया, देन अगेन डिक्रीजेस, फिर से क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कर्व है ये कौन दिखाते हैं, लैम्डा आइसोमर्स, ये पॉजिटिव सर्कुलर डायक्रोइज्म है। और अगर यहां पर आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये जो कर्व था वो इस तरीके से था कि एक मैक्सिमा से ये डिक्रीज हुआ, मिनिमा आया, फिर उसके बाद ये इंक्रीज हुआ। यानी ये जो कर्व है ये नेगेटिव कर्व है, सीडी कर्व, और इससे ये जो शो करेंगे कंपाउंड वो क्या होगा, डेल्टा आइसोमर होगा। ये सब पढ़ाने का ये तात्पर्य है कि टोटल हमने ये देखा कि एक तो हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की बात कर रहे हैं, दूसरा हम बात कर रहे हैं सर्कुलरली पोलराइज लाइट की। तो वो सर्कुलरली पोलराइज लाइट कैसे बनी, जो अनपोलराइज लाइट थी उसको पोलराइड से पास किया, जिसने प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट किया, और प्लेन पोलराइज लाइट को हमने दूसरे पोलराइड से पास किया तो सर्कुलरली पोलराइज लाइट मिली। ये जो सर्कुलरली पोलराइज लाइट है जब पास करेंगे कंपाउंड में से जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है, तो वो सर्कुलरली पोलराइज लाइट को या तो रोटेट करेगा, तो अगर हम उस रोटेशन को और लैम्डा को मेजर कर रहे हैं तो ओआरडी है, और या फिर क्या करेगा, सर्कुलरली पोलराइज लाइट को डिफरेंट एक्सटेंट पर एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर हम डिफरेंट एक्सटेंट पर जो एब्जॉर्प्शन है उसको और लैम्डा के बीच में कर्व खींचेंगे तो फिर वो सीडी कहलाएगी। तो ये सीडी ओआरडी कर्व से हमें पता चलेगा कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अभी आप और फर्दर एग्जांपल से देखेंगे। तो ओआरडी क्या है एक्चुअल में, ओआरडी में हम क्या करते हैं, जो स्पेसिफिक रोटेशन है उसको और लैम्डा के बीच में क्या करते हैं, कर्व खींचते हैं। और जो सीडी है उसमें एप्साइलन एंड माइनस एप्साइलन मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज लाइट एंड राइट सर्कुलरली पोलराइज लाइट की, उसको लैम्डा के साथ क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ओआरडी स्पेक्ट्रा डिस्पर्सिव होता है और सीडी स्पेक्ट्रा क्या होता है, एब्जॉर्प्टिव होता है। और यहां पर आप देखेंगे कि द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट विल बी रोटेटेड थ्रू एन एंगल अल्फा, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, प्लेन ऑफ सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। और यहां पर आप देखेंगे डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन, हम देखते हैं कि जो लाइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है और जो राइट सर्कुलरली लेफ्ट एंड राइट जो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है उनकी जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी में डिफरेंस है वो कितना डिफरेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम आइसोमर को रीड करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि नॉमनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो अब आपसे कहा मैंने कि एक आइसोमर होता है लैम्डा और एक होता है डेल्टा। जो लैम्डा आइसोमर होता है वो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स ऑफ द कीलेट रिंग शो करता है, और जो ये आइसोमर होता है वो राइट हैंडेड हेलिक्स ऑफ कीलेट रिंग शो करता है। अभी आप देखेंगे एग्जांपल से। और ये जनरली कहां पर मिलेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जहां पर ट्रिस या बिस लिगेंड्स होंगे, मतलब बाइडेंटेड और ट्राइडेंटेड लिगेंड जहां पर होंगे वहां पर हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। ओके, मोनोडेंटेड में नहीं, हम बात कर रहे हैं, मोनोडेंटेड भी उसमें एक हो सकता है और बाइडेंटेड लिगेंड हो सकता है, तो वहां पर हम बात कर रहे हैं। देखिए कैसे बात कर रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स है जो कि जहां पर बाइडेंटेड लिगेंड है, 3-ethylene डायमीन है। तो अगर आप देखेंगे कि ये देखिए ये जो EN है और ये जो EN है, आपको ये हेलिक्स ऐसा जो हेलिक्स है वो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, ये देखिए, और यहां पर जो हेलिक्स है वो राइट साइड में दिखाई दे रहा है।
ठीक है, तो इस जहां पर ये हेलिक्स जो है वो राइट साइड में दिखाई देगा, जो कीलेट रिंग्स हैं उसको हम डेल्टा आइसोमर कहते हैं, और जहां पर ये हेलिक्स लेफ्ट साइड में दिखाई देगा उसको हम लैम्डा आइसोमर कहते हैं। और अगर आप इन दोनों आइसोमर्स को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये दोनों आइसोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। सो दीज टू आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, इसलिए ये क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर है। ऑप्टिकल आइसोमर कौन होते हैं, जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये दो अलग चीजें हैं, जो लैम्डा है और डेल्टा है वो अलग है। जैसे आपने पढ़ा होगा डीएनएल, आपने डीएनएल में पढ़ा होगा, डीएनएल में आप क्या पढ़ते थे कि डी का मतलब है कि जो सबसे नीचे का ओएच है वो राइट साइड में है, और एल का मतलब है जो एच है वो ओएच है वो लेफ्ट साइड में है। तो वो एक कॉन्फ़िगरेशन था, और आर एस एक था, और प्लस और माइनस अलग होता है। तो ऐसे ही आप देखेंगे प्लस और माइनस तो अलग होता है, प्लस माइनस का मतलब है कि प्लस जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और माइनस जो है वो लीवो रोटेटरी होता है। लेकिन जो लैम्डा और डेल्टा है वो क्या है, इससे रिलेटेड है कि ये जो हेलिक्स है वो किस ओर है। ये अगर लेफ्ट हैंडेड आपको दिखाई दे रहा है तो लैम्डा है, अगर राइट साइड दिखाई दे रहा है तो ये डेल्टा है। तो अब ये डेल्टा है कि लैम्डा है ये हम बताते हैं विद द हेल्प ऑफ सी डी एंड ओ आर डी। ठीक है, कैसे दिखाएंगे, उससे पहले हम पढ़ेंगे कॉटन इफेक्ट क्या होता है। कॉटन इफेक्ट क्या होता है, अगर हम दो को कंबाइन कर दें, ओआरडी एंड सीडी को कंबाइन कर दें, तो वो कंबाइंड जो इफेक्ट होगा वो कॉटन इफेक्ट होगा। और जो कॉटन इफेक्ट है दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव कॉटन इफेक्ट और एक होता है नेगेटिव कॉटन इफेक्ट। ये देखिए हमने क्या किया कि दोनों को मिला दिया, ये जो लेफ्ट साइड है जो वर्टिकल लाइन है यहां पर हमने मोलर एब्जॉर्प्टिविटी में डिफरेंस शो किया, यहां पर हमने अल्फा रोटेशन दिखाया, और ये जो है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये है लैम्डा। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि देखिए ये जो कर्व ब्लैक कलर का ये ओआरडी कर्व है, दोनों को मर्ज कर दिया ना, एक कर्व इसमें ओआरडी आ रहा है और एक क्या आ रहा है सीडी आ रहा है। तो ओआरडी कर्व देखिए पहले नेगेटिव था, फिर ये डिक्रीज हुआ, मिनिमम अटेन किया, फिर यहाँ पर जीरो हुआ, फिर ये बढ़ा, फिर ये मैक्सिमम हुआ, फिर डिक्रीज हुआ। तो ये कौन सा कर्व था, आपने पढ़ा था ये पॉजिटिव ओआरडी कर्व था। अगेन आप देखिए ये जो अगर मैं सीडी कर्व इसमें मर्ज किया है तो ये देखिए ये इंक्रीज हुआ एक मैक्सिमम अटेन किया फिर ये डिक्रीज, तो ये पॉजिटिव सीडी कर्व है। तो ये पॉजिटिव सीडी ये पॉजिटिव ओआरडी दोनों को मिला दीजिए, पॉजिटिव कॉटन इफेक्ट, तो पॉजिटिव कॉटन इफेक्ट हो गया। तो अगर ऐसा कर्व हमें मिल रहा है तो ये पॉजिटिव कॉटन इफेक्ट, तो ये क्या है लैम्डा आइसोमर। लैम्डा आइसोमर इस तरीके के कर्व शो करेंगे, और आप देखेंगे कि जहां पर ओआरडी कर्व का मिनिमा मतलब जहां पर जीरो होगा वहां पर इस सीडी कर्व का मैक्सिमा होगा। ये देखिए इसका मैक्सिमा और इसका जीरो ये एक जगह पर होंगे। ओके, दूसरा कर्व आप देख सकते हैं, अगेन आप देखिए ये पॉजिटिव था, इंक्रीज हुआ मैक्सिमम, देन जीरो, देन नेगेटिव, देन इंक्रीज। तो ये क्या था, नेगेटिव ओआरडी था, और अगर आप नेगेटिव सीडी को देखेंगे तो आप देखेंगे डिक्रीज हुआ, मिनिमम हुआ, देन इंक्रीज हुआ, ये क्या था नेगेटिव सीडी। तो इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो ये नेगेटिव कॉटन इफेक्ट हो जाएगा, और इस तरीके का इफेक्ट जो भी आइसोमर दिखाएगा वो डेल्टा आइसोमर होगा। तो हमें कर्व देखना है, हमें केवल कर्व देखना है कि ये कर्व कैसा दिख रहा है। अगर ये कर्व ऐसा दिख रहा है तो ये क्या है लैम्डा आइसोमर। तो आप ये देखिए कि अगर कोई आइसोमर ये जो ब्लैक है इस तरीके का ओआरडी दिखा रहा है तो वो लैम्डा आइसोमर है, और अगर वो इस तरीके का दिखा रहा है तो वो क्या है डेल्टा आइसोमर। ऐसे ही आप देखेंगे अगर ये है ये सीडी कर्व इस तरीके का दिखा रहा है तो वो लैम्डा आइसोमर है, अगर सीडी कर्व इस तरीके का दिखा रहा है तो वो डेल्टा आइसोमर है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको दिखाया हुआ है कि हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए ये कॉम्प्लेक्स है, ये कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स है तीन, जहां पर अलग अलग लिगेंड है, इथाइलिन डायमीन है, एलेनिन है और ग्लूटामीन ग्लूटामेट है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इनके जब ओआरडी कर्व देखे गए तो इस तरीके के आए। देखिए ये पहले माइनस में था, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, जीरो हुआ, फिर इंक्रीज, फिर मैक्सिमम, फिर डिक्रीज। इन तीनों के आप देख सकते हैं लगभग एक से कर्व आ रहे हैं, सबकी वैल्यू नेगेटिव है स्पेसिफिक रोटेशन की, जैसे जैसे हम लैम्डा बढ़ा रहे हैं। फिर एक ये मिनिमम अटेन कर रही है, देखिए यहाँ पर भी मिनिमम अटेन कर रही है, फिर उसके बाद ये जीरो हो रही है सब में, और फिर इंक्रीज हो रही है, मैक्सिमम अटेन कर रही है, फिर डिक्रीज हो रही है। सबके ओआरडी कर्व एक से हैं इसका मतलब, और ये कैसे हैं देखिए, ये आप देखिए कैसे हैं, ये ओआरडी कर्व देखिए, ये देखिए ये ऐसा कर्व का मतलब ये लैम्डा आइसोमर है। तो जब ऐसा कर्व आ रहा है तो इसका मतलब है ये सब के कर्व इसी तरीके के आ रहे हैं कुछ कुछ, तो इसका मतलब है सारे आइसोमर क्या रहे होंगे लैम्डा। तो अगर हमें ऐसे कर्व मिलते हैं
तो वो लैम्डा आइसोमर है। और अगर हमें ऐसे कर्व मिलते हैं इस तरीके के, तो ये क्या है, डेल्टा आइसोमर है। तो बहुत आसान है बता पाना, अगर हमारे पास सामने कर्व होंगे तो हम बता देंगे कि ये कौन सा कर्व है। ओके, तो एक बार हम और रिवाइज करेंगे कि इस लेक्चर में हमने क्या देखा। इस लेक्चर में हमने देखा कि क्योंकि हमें देखना था कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो किस तरीके से उनके एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आप पता कर सकते हैं, दो मेन टेक्निक है सीडी एंड ओआरडी। और सीडी और ओआरडी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पोलराइड जो अगर आप देखेंगे, आप लोग 7D 5D 4D मूवी आपने देखी होंगी, और वहां पर हम एक चश्मा पहनते हैं, वो चश्मा जो है वो 3D मूवी को देखने के लिए स्पेसिफिक है। तो वो चश्मा क्यों स्पेसिफिक है, क्योंकि ये जो उसका जो एक जो जो ग्लास होता है उसका जो एक पार्ट होता है वो पोलराइड होता है, दोनों पोलराइड होते हैं एक्चुअल में, जो हमारी आंखों में लगे रहते हैं वो पोलराइड होते हैं। ऐसे ही हमको जब कहा जाता है कि जब हम सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण देखते हैं तो हम पोलराइड की हेल्प से देखते हैं, तो वो जो पोलराइड होते हैं उसमें क्या होता है कि एक जो पोलराइड होता है वो अलग उसमें जो जो उससे पास होंगे वो राइट साइड में मान लीजिए पास हो रही है जो सर्कुलरली पोलराइज लाइट है, दूसरे वाले से दूसरे डायरेक्शन में, तो ओवरऑल हमें 3D जो पिक्चर है या 7D पिक्चर है वो हमें दिखाई देती है, क्योंकि पोलराइड का यूज हम करते हैं उस समय। ओके, तो ये जो इंपॉर्टेंट टेक्निक है, दो टेक्निक आपने देखी, और ये टेक्निक में आपने देखा कि इवन हमने फाइनली क्या हमें मिला है, सर्कुलरली पोलराइज लाइट। तो जब हमें सर्कुलरली पोलराइज मिल गया है और एक ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर हमारे पास है, तो वो क्या करता है, उसकी टेंडेंसी होती है वो सर्कुलरली पोलराइज लाइट को एक पर्टिकुलर एंगल से रोटेट करने की, या फिर उसकी जो राइट हैंडेड एंड जो लेफ्ट हैंडेड जो सर्कुलरली पोलराइज लाइट है उसको डिफरेंट एक्सटेंट में एब्सॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है। तो उससे हमें कर्व मिलते हैं, एक ओआरडी कर्व होता है, एक सीडी कर्व होता है। ये ओआरडी कर्व है, तो अगर ऐसा कर्व हमें मिल रहा है तो वो लैम्डा आइसोमर है, अगर ऐसा कर्व हमें मिल रहा है तो वो डेल्टा आइसोमर है, और अगर हमें इस तरीके का कर्व मिल रहा है सीडी का तो ये लैम्डा आइसोमर है, अगर ऐसा कर्व मिल रहा है तो ये ओआरडी कर्व है, और इसके वो क्या है, डेल्टा आइसोमर है। और डेल्टा और लैम्डा आइसोमर क्या होता है वो हमने देखे कि अगर हेलिक्स लेफ्ट हैंडेड साइड दिखाई दे तो लैम्डा आइसोमर है, अगर वो राइट हैंडेड साइड दिखाई दे तो वो डेल्टा आइसोमर है। फिर हमने कॉटन इफेक्ट देखा, कॉटन इफेक्ट का मतलब है कि दोनों को मर्ज कर दिया हमने एक कर्व में, तो अगर सीडी और ओआरडी नेगेटिव है तो वो नेगेटिव कॉटन इफेक्ट है, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कॉटन इफेक्ट है, अगर कॉटन इफेक्ट पॉजिटिव है तो वो आइसोमर कौन सा होगा, लैम्डा आइसोमर, और अगर वो नेगेटिव कॉटन इफेक्ट शो कर रहा है तो वो क्या है, डेल्टा आइसोमर है। तो इसका मतलब है कि अगर आइसोमर्स हैं वो सारे आइसोमर्स एक से कर्व शो कर रहे हैं तो वो एक से एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, सबका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एक सा ही होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी असाइनिंग दी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड दैट असाइन्स दी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस टू दी ऑप्टिकली एक्टिव ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अब